हाय एवरीवन, आई एम राम भट्ट, जूनियर एसोसिएट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आर आरबीपीओ मेंस में कंप्यूटर सेक्शन को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि सर आप प्लीज़ हमें कोई एक ऐसी बुक्स बता दीजिए जिसको प्रिपेयर करके हम कंप्यूटर में अच्छे खासे नंबर कैरी कर सकें। तो आज मैं आप सबके सामने दो ऐसी बुक्स बताने वाला हूँ जिसको पढ़कर आप कंप्यूटर में अच्छे नंबर ला सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आरआरबीपीओ मेंस में कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस आते हैं 20 नंबर्स के, और बहुत सारे लोग कंप्यूटर को काफ़ी लाइट वे में ले लेते हैं जिसकी वजह से उनका सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं क्लियर हो पाता है, या लाइट वे में लेने की वजह से उनके 10 या 11 नंबर आते हैं आउट ऑफ 20। और आप सभी को पता है कि मेंस एग्जामिनेशन में एक एक नंबर पर हजारों एस्पिरेंट्स के रैंकिंग का गैप होता है, तो आप इसको हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। आपको कंप्यूटर में कम से कम 15 प्लस नंबर कैरी करना होता है, और ये आप कैसे कर सकते हैं, इन दो बुक से कर सकते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहली बुक है आपकी ये परीक्षा मंत्र। मुझे ये बुक काफ़ी पसंद है और काफ़ी अच्छी लगती है। इस बुक में चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, आप इस बुक्स को पढ़ सकते हैं। मैंने इस बुक्स को कम से कम 7 से 8 बार पढ़ा, यानी मल्टीपल टाइम्स मैंने इस बुक को पढ़ा जब मैं आरआरबीपीओ और क्लर्कल की तैयारी कर रहा था। और इस बुक को आप देख सकते हो, मैंने बिल्कुल काफ़ी हाईलाइटेड किया हुआ है, हर जगह से मैंने कई बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है, और जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगता है उसको मैंने काफ़ी हाईलाइट किया हुआ था। 7 से 8 बार मैंने इस बुक्स को पढ़ा है, आप देख सकते हो काफ़ी हाईलाइटेड है, और इसी तरह आपको भी हाईलाइट करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ना होता है। तो 7 से 8 बार मैंने इस बुक को पढ़ा था, मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगती है, परीक्षा मंथन। खैर, अभी मार्केट में इसकी अपडेटेड वर्जन आ चुकी है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूँ जिससे कि आप उसको परचेज कर सको। ठीक, दूसरी बुक है आपकी ये है अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर जागरूकता, और ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। इसको भी मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा हुआ है, 5-6 बार मैंने इसको पढ़ा हुआ है, और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इसमें बहुत सारे एक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 40 से 50 क्वेश्चंस एक एक चैप्टर से दिए हुए हैं, आप पढ़ के इसको आराम से सॉल्व करिए। देखिए, इस बुक को भी मैंने काफ़ी हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं, तो आपको ऐसे ही पढ़ाई करनी है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना है। और ये दोनों बुक मुझे कंप्यूटर के लिए काफ़ी अच्छी पसंद है, काफ़ी अच्छी लगती है। आप चाहें तो दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले इन दोनों में से कोई एक बुक लीजिए, पहले परीक्षा मंथन मंगा सकते हैं या पहले अरिहंत मंगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक, दोनों अच्छी है, किसी एक को मंगाइए और उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। जब 4-5 बार पढ़ लीजिए और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो जाएं, देन उसके बाद आप दूसरी बुक को चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, वरना एक बुक भी सफिशियंट है, आप उससे भी काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि एक बुक मैंने और ली थी, वो बुक थी लूसेंट की, ये बुक भी अच्छी है। अगर ये बुक उनके लिए अच्छी है जिनके कंप्यूटर के पहले से बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं और उनको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर में, पर जो लोग कंप्यूटर को पढ़े हुए उनको काफ़ी टाइम हो गया, उन लोगों को ये बुक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें उतनी अच्छी नॉलेज नहीं लगती, उतनी सफिशियंट मुझे ये कंप्यूटर के लिए नहीं लगती है। लूसेंट की खैर बहुत सारी बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, जीएस वगैरह की बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, हिंदी की भी अच्छी है, कंप्यूटर के लिए मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हैं कंप्यूटर के, तो इसको लेके आप थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो। तो ये मैंने आपको 3 की 3 बुक बता दी, इसमें से 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप लूसेंट भी ऑर्डर कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊँगा कि कंप्यूटर सेक्शन में इन बुक्स में कौन कौन से चैप्टर्स दिए हुए हैं, और इन चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रीवियस 4 to 5 ईयर्स में आरआरबी में कहां कहां से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, इसको मैंने नोट डाउन किया हुआ है। ठीक है, और इसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि अगर आप ये पढ़ के जाते हो, इन चैप्टर्स को पढ़ कर जाते हो, तो आप कंप्यूटर में बहुत ही बेहतरीन नंबर कैरी कर सकते हो। सबसे पहले आपके आता है इंट्रो टू कंप्यूटर, कि वॉट इज़ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, ज़रूर तैयार कीजिए। देन उसके बाद आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब बना था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गया, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी आ गया, फिर फर्स्ट में लो लेवल लैंग्वेज चलती थी, सेकंड में, थर्ड में हाई लेवल आई, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही जाननी ज़रूरी है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही बारीकी से पढ़िएगा। देन उसके बाद आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी क्वेश्चन आते हैं, माउस कौन सा डिवाइस है, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, हालांकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बट इसमें भी थोड़े से क्वेश्चंस को लेंदी करके जानबूझ के इनपुट आउटपुट डिवाइस से 1 नंबर के क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं, प्रिंटर से, स्कैनर से, कौन सा डिवाइस है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद
स्टोरेज यूनिट्स एंड मेमोरी यूनिट्स से आपके एक क्वेश्चन आते हैं, रैम से, रोम से, फ्लॉपी डिस्क से, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है, कौन सी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, कौन सी सेकेंडरी है, कौन सी प्राइमरी है, इन चीज़ों को भी आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद कंपाइलर और इंटरप्रेटर से मुझे जहाँ तक लगता है कि दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन आपकी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंपाइलर एक ही बार में कर देता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो लाइन बाय लाइन लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दो नंबर आते हैं। उसके बाद नंबर सिस्टम कन्वर्जन, यहाँ से भी एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बट मैं आपको बताऊं कि मैंने नंबर सिस्टम कन्वर्जन पे कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको इसमें पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है कि आपको हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज है, नॉर्मल कोड है, उसको आपको कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके लिए आपको पूरा डेसिमल पॉइंट, हेक्सा डेसिमल, इस सब को पढ़ना पड़ता है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हो, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, और चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हो। मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैंने इसको स्किप किया हुआ था। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से भी एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, इनके वर्क्स क्या हैं, कौन स्मॉल है, कौन लार्ज है, किसका क्या काम है, यहाँ से भी एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको भी आप पढ़िए। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ETC, ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं, यहाँ से भी एक से दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। देन DBMS, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दो नंबर के क्वेश्चन आपके आना है। डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो DBMS ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंट्रानेट एंड इंटरनेट, ठीक है, व्हाट इज इंटरनेट एंड व्हाट इज इंट्रानेट, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। लैन, वैन, मैन, इन सब में ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, इसको भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से भी आपके एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। देन टोपोलॉजी के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, टोपोलॉजी कितने टाइप्स की होती हैं, 5 टाइप्स की होती हैं, स्टार, रिंग, मैस, बस, ये सारी टोपोलॉजीज हैं, इसको पढ़िए, यहाँ से भी आपके कम से कम दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि कौन सी टोपोलॉजी का कौन सा वर्क होता है इसको ज़रूर पढ़ना है आपको। देन उसके बाद TCP/IP एंड OSI मॉडल, भाई साहब OSI मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रोग्रामिंग लेयर, ये सारी लेयर्स हैं, ठीक है, इन सबको आप पढ़िए। ट्रांसपोर्ट लेयर, 7 लेयर्स होती हैं, क्या काम होता है, कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। OSI का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये जो है आपके दो नंबर्स कैरी करते हैं। और अगर मैं RRUPO मेंस की बात करूँ तो अभी रिसेंट का जो हुआ था वहाँ से भी OSI का फुल फॉर्म पूछा गया था, ये सब आप जरूर पढ़िए। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है, लिनक्स, विंडोज़ के बारे में आप ज़्यादा डिटेल ले लीजिए, ओपन सॉफ्टवेयर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी ले लीजिए, तो ये सब आपके दो नंबर कैरी करते हैं। देन उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPv4, IPv6 के पत्तों के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। देन ऑल अबाउट MS ऑफिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, MS ऑफिस से रिलेटेड हर जानकारी आप लीजिए, क्योंकि 2 से 3 नंबर मैंने देखे थे MS ऑफिस का। मैं प्रीवियस 2 ईयर से देख रहा हूँ, 2 ईयर से मैं RRUPO मेंस में बैठ रहा हूँ और 2 ईयर से मैंने देखा कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं MS ऑफिस से, ठीक है। MS ऑफिस में जो भी MS पावर पॉइंट है, ठीक है, MS एक्सेल है, इस सब के बारे में आपको बहुत डीप में नॉलेज होना चाहिए कि आपको प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट का यूज़ करना है या एक्सेल के लिए, डेटा के लिए क्या करना है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। MS ऑफिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपके शॉर्टकट कीज, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि F12 से सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, F2 से रीनेम होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट कीज जरूर याद कीजिएगा। देन उसके बाद एब्रीविएशंस तो ज़रूर पढ़ना है आपको, जैसे कि ABC एटनास ऑफ बैरी कंप्यूटर हो गया, फिर DPI डॉट पर इंच हो गया, DPI आई थिंक पिछले साल RRUPO मेंस में आया भी था, तो एब्रीविएशन काफ़ी होगा, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, WWW वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, तो ऐसा ही काफ़ी इजी वे में एब्रीविएशंस आते हैं, एब्रीविएशंस भी परीक्षा मंथन में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, इसको पढ़िए। देन रैम रोम से भी आपके एक क्वेश्चन आ जाते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, तो ये कंप्यूटर जो है काफ़ी बेसिक्स होते हैं, बट क्या होता है कि हमारे मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को PO की मैं बात करूँ तो लेंदी बना के दिया जाता है, बट अगर आपने अच्छे से थोड़ा डीप में मल्टीपल टाइम्स इन बुक्स को पढ़ा है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि फर्स्ट
अटेम्प्ट में जब मैंने अरबी पीओ मेंस में देने गया था तो मैंने इन दो बुक्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ा था, और इन दो बुक्स को पढ़ने के बावजूद भी मेरे कंप्यूटर में उतने सेटिस्फाइड नंबर नहीं आए थे। ठीक है, मैं ये सोच रहा था कि मैंने इन बुक्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा, फिर भी मैंने सेटिस्फाइड नंबर नहीं आया। सेकेंड ईयर में मेरे 15 प्लस नंबर आए कंप्यूटर में। कैसे आए? इसलिए आए क्योंकि मैंने इन दो बुक्स को पढ़ने के साथ साथ बहुत ज़्यादा क्विजेज लगाए। यानी हर डे मैं कम से कम अपार्ट फ्रॉम मॉक टेस्ट 40 क्वेश्चंस कंप्यूटर के लगाता था। वो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक से मिल जाएगा, अड्डा से मिल जाएगा, ग्रेडअप से मिल जाएगा, फिर क्लाउड से मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कंप्यूटर के क्विजेस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपसे रिकमेंड करना चाहूँगा कि इन बुक्स को जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के साथ साथ क्विज ज़्यादा लगाओ। क्विज लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं ना वो किसी को याद नहीं होते हैं। आपको उनको समझना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और राइट आंसर चूज करना है, क्योंकि कंप्यूटर रटने वाला सब्जेक्ट आप नहीं कह सकते हो। कंप्यूटर रटने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, कंप्यूटर समझने के लिए सब्जेक्ट है, और समझेंगे आप तभी जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्विज बहुत ज़्यादा आप लगाएंगे, इन दो बुक्स को आप पढ़ेंगे और क्विज बहुत ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इतना किया, आपने मेरी बात मानी, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा कंप्यूटर सेक्शन में, और आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको कंप्यूटर की जितनी नॉलेज मैंने दी है समझ में आ गई होगी कि आपको कंप्यूटर कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, और कौन कौन से चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कितना प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अब जल्दी ही मिलूंगा किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। कोई और डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आपसे अलविदा लेने का समय आ गया है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।